Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. देखिए हम इन दोनों का सबको सलाम। तो जनाब आज आ गई है एक बड़ी मज़ेदार से और डिफरेंट सी रेसिपी चना पुलाव की, क्योंकि हम लोग कभी बिरयानी पुलाव पका पका के बोर हो जाते हैं और दिल भी चाह रहा होता है कि राइस का आइटम कुछ खाएं। तो जनाब ये हाजिर है चना पुलाव। तो हमने बस इसके लिए ले लिया था कुछ प्याज और टमाटर, बहुत सारे ले लिए हैं हमने। सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी मेंशन है, आप प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जाके अकॉर्डिंगली रेसिपी रेशियो वाइज फॉलो कर लीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले ऑयल ले लिया था और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, इतना पकाना है कि वो गोल्डन कलर आ जाए प्याज का। अब आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसक्यूलेंट हो चुका है हमारा प्याज और बस इतना ही ब्राउन करना है। फिर जनाब हमने प्याज को निकाल लेना है, स्ट्रेन कर लेना है और उसको किसी भी टिश्यू पेपर पे या बटर शीट पेपर पे, किसी भी जो भी आपके पास अवेलेबल उस पर रख के ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, फिर हमने उसी ऑयल में शामिल कर दिए हैं टमाटर। ये मैंने 4 टमाटर लिए थे, उनको स्लाइस कर लिया था और अब मैं शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेना है, मैंने कम हरी मिर्ची इस्तेमाल की हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जनाब यहाँ मैं कुछ खड़े गर्म मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी स्टिक है, बासिल लीव्स है और कुछ इलायचियाँ हैं खुशबू के लिए, और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। सारी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब आपने यहाँ पे फिर आपने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सौंफ 1 टेबल स्पून, और ये ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और एक आपने लेमन ले लेना है, लेमन जूस डालना है इसमें, शामिल करना है 1 कंप्लीट लेमन को आप स्क्वीज़ कर दीजिएगा, और फिर हसब ज़रूरत आप नमक इसमें शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक को शामिल किया है। अगर आप लोग कम नमक पसंद करते हैं तो आप अपने हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जनाब हमने ये टोमेटो के मिक्स को बहुत अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है, सारे टोमेटोज़ हम लोग सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद अच्छी तरह इसको पका लेना है। सारी चीज़ें जब एक दूसरे के साथ शामिल हो जाएंगी उसके बाद आपने इसको ढक देना है ताकि टोमेटो जो है वो अच्छी तरह हमारे गल जाएं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद टमाटर को हम लोगों ने चेक कर लेना है। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, टमाटर जो है वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं और उसमें जो मसालों का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छी तरह आ चुका है। अच्छा जनाब हमने इसको बहुत अच्छा सा स्टिर दे देना है, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको स्टीम के बाद भी थोड़ा सा पका लेना है, और अब हम इसमें शामिल चिक पीस, और ख्याल रहे ये चिक पीस जो हैं वो बिल्कुल बॉयल्ड हैं, आपने बिल्कुल सॉफ्ट करके जो हम सोडा डाल के बॉयल करते हैं वैसे कर लें, या आप रेडीमेड टिन पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, और यहाँ पे ये काबली चने इनको कहते हैं, और यहाँ पे इसका ही इस्तेमाल हमने करना है चना पुलाव में। अच्छा जनाब जब हमने चने शामिल कर दिए हैं तो अब नेक्स्ट बारी आ जाती है फटे हुए दही की। फटा हुआ दही मैंने ले लिया था 1 कप, इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद अच्छी तरह विस्क करके उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दही को भी अच्छी तरह से पका लेना है। जब दही, टमाटर और चिक पीस जो हैं वो एक साथ रेडी होंगे उसके बाद हमने ऊपर से शामिल करना है गरम मसाला पाउडर। तो जनाब आपको यहाँ पे इसकी खुशबू इतनी लजीज और मज़ेदार सी आने लगेगी कि आपका भी दिल चाहेगा कि बस बहुत जल्दी से ही रेडी हो जाए और खाना पीना स्टार्ट हो जाए। अच्छा अब हमने जब आप ये देख सकते हैं कि दही जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है वाटर। अब हम पानी जो है वो अपनी चावलों के हिसाब से डालेंगे। मैंने यहाँ पे ये वाला 2 ग्लास जो है वो शामिल कर रही हूँ, ग्लास का आप लोग साइज़ भी देख सकते हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जितने आप चावल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप जैसे छोलों का इस्तेमाल किया है, चनों का इस्तेमाल किया है, और मैंने चावल लिए हैं 3 कप्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें
एडिशन करके यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है ट्विस्टिंग पार्ट। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के लिए हमने यहाँ पे ऐड कर देना है चिकन क्यूब। चिकन क्यूब के बजाय आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपने स्टेप स्किप नहीं करना है क्योंकि यही वो ट्विस्टिंग पार्ट है जो कि आपके पुलाव को, चना पुलाव को इतनी अच्छी खुशबू भी देगा और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। बिल्कुल हैदराबादी चना पुलाव जो आप खाते हैं, आपने ट्राई किया होगा यकीनन, और वो जो बाज़ार का एक टेस्ट आता है चना पुलाव का, बिल्कुल आपको इसमें वो ही मिलेगा। तो जनाब, आप यहाँ पे, अब हमने ये बासिल लीफ का काम ख़त्म हो गया है, सारी खुशबुएं जो इसमें है वो आ गई हैं। तो और भी गर्म मसाले अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे निकाल सकते हैं, जैसे बड़ी इलायची है, और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद के मोटे मोटे गर्म मसाले आएँ तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़े डिफ़िकल्ट टास्क भी हो जाता है, लेकिन तो ये बासिल लीव्स ईज़िली आ जाते हैं और बड़ी इलायची, तो आप ये दोनों चीज़ें निकाल लें। अब जनाब बारी आ गई है अपने राइस ऐड करने की, और चावलों के हिसाब से ही मैंने पानी इसमें ऐड किया था, और अब आप देख सकते हैं कि चावल, चने और टमेटोज बहुत ही एक अच्छी सी लुक आ रही है, और ये अभी अनकुक है तो भी इतना खूबसूरत लग रहा है, और कुक होने के बाद तो इंशाल्लाह इसकी जो लुक और टेस्ट और अमेजिंग सी खुशबू आएगी वो आप यकीनन इंजॉय करने वाले हैं। तो जनाब आप यहाँ देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक बॉयल हो चुके हैं। इसी इतना ही परसेंटेज आपने बॉयल करनी है चावलों की, बाकी दम में आप पकाइएगा। और अब बारी आ जाती है उस प्याज की, जो कि हमने रेसिपी को स्टार्ट करते हुए ब्राउन कर लिया था। अब हमने इसको ऊपर से शामिल कर देना है, और ये बहुत ही मज़ेदार और देगी चना पुलाव का जो है वो फ्लेवर देगा, और बहुत ही वही वाला टच आएगा कि बाहर वाला। कुछ हरी मिर्चों भी शामिल कर दें, और अगर आपको प्याज को ऊपर से पसंद नहीं करते खाना तो आप इसको ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। चलिए जनाब, अब बारी आ गई है दम की। अब हम अपने चावलों को दम कर लेंगे 10 से 15 मिनट, और ये खूबसूरत से बबल्स बता रहे हैं कि चावल दम हो चुके हैं खूबसूरत तरीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही ये खूबसूरत चना पुलाव रेडी हुआ है, और अब हम इसको मिक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है, और बहुत ही, आप यकीन करें, ये टेस्टी और यमी बना था। बच्चे भी खाते हैं शौक से, बड़े भी खाते हैं, तो ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं कुछ क्यूकम्बर्स के साथ और लाल चटनी के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।